हे गाइज, अगर आप भी YouTube पर शॉर्ट वीडियो जो अपलोड करते हो तो आज मैं आपको प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको जो सेटिंग्स बताऊंगा जिसका अगर आप यूज करते हो तो आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल भी होगी, साथ ही साथ आपको एक प्रॉपर तरीका भी मालूम चल जाएगा। और बस आपको उसके लिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना था। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली तो उसके लिए करना क्या है, आपको एक वीडियो शूट कर लेनी है 9:60 के रेशियो में, आपको एक वीडियो शूट कर लेनी है। उसके बाद आ जाना है आपको अपने यूट्यूब पे और यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके क्रिएट अ शॉर्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ से आपको करना क्या है, बढ़िया से अनलिस्टेड ही रखना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर यूट्यूब पर ही आपको अपना टाइटल सर्च करना है। जैसे आपकी वीडियो है, मान के चलिए कि थंबनेल कैसे बनाए, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए, अगर आप सर्च कीजिएगा तो ये जो सारे आए क्योंकि, और सिंपली आपको यहाँ से इसका करना क्या है, स्क्रीन शॉट ले लेना है। स्क्रीन शॉट ले लेने के बाद आपको यहाँ से इसको ऊपर कर देना है, यहाँ से इसको कर देने के बाद आपको करना क्या है, इसको कॉपी कर लेना पूरा का पूरा। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से आ जाना है आपको, बैक आ जाना है आपको अपने YT स्टूडियो में आ जाने के बाद जो कि वीडियो आपने अभी अपलोड किया था उस पर आपको क्लिक करके पेंसिल वाला आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे करके आपको करना है, यहाँ पर उसको टाइटल आपको पेस्ट कर देना है। टाइटल पेस्ट कर देने के बाद कंप्लीट ऐसे करके आप दो डंडा लगा देना है। डंडा लगा देने के बाद इसको आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है, और इसके बाद इसको आपको करना है टैग में पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर दोगे यहाँ पर तीनों में ये हो चुका है सेम टू सेम। उसके बाद करना है आपको यहीं पर आना है, यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। ये रहा पहला सेटिंग है। आप में से बहुत से लोग अपनी शॉर्ट वीडियो में कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करते। अगर आपका कॉमेडी है तो आप कॉमेडी कर सकते हो, एजुकेशन है तो एजुकेशन, नहीं तो गेमिंग कर सकते हो। जैसे मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर चुका हूँ। यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ से आपको कर देना है बस। उसके बाद आ जाना है, फिर से आपको सेव कर लेना है। सेव आ जाने के बाद आपको कर क्या लेना है, यहाँ से आ जाना है बैक, और बैक आ जाने के बाद आ जाना है आपको अपने गूगल में, और यहाँ पर आपको एक रैपिड टेक्स्ट नाम के एक एप्लीकेशन यानी कि सर्च करना है। उसके बाद फर्स्ट वाली पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर यूज टूल फॉर फ्री पर आपको क्लिक कर देना है, जो आपसे आपने वो टाइटल कॉपी किया था, यहाँ पर आपको टाइटल को पेस्ट करके यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे ये जो टाइटल से रिलेटेड सारा टैग आ जाएगा, इसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर से आ जाना है आपको यानी कि YT स्टूडियो में, यहाँ पर आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में आ जाने के बाद वो सारा यानी कि टाइटल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर जो ये पॉइंट पॉइंट रहता है इसको डिस्क्रिप्शन से आपको हटा के ऐसे कर देना है, इसको यहाँ से डिस्क्रिप्शन से पॉइंट हटा के इसको ऐसे करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आ जाना है आपको आपको टैग में, और यहाँ पर आपको सारे को पेस्ट कर देना है। जैसे जैसे आप सारे को पेस्ट कर दोगे यहाँ पर ये सारा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, यहीं से इसको करना क्या है, पब्लिक कर देना है। पब्लिक कर देने के बाद चाहे तो आप यहाँ से शेड्यूल भी सेट कर सकते हो, आपको कितने बजे ये वीडियो अपलोड करनी है। अगर आप शेड्यूल सेट कर दोगे तो उतने बजे ये वीडियो खुद पर खुद अपलोड हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियो पर थंबनेल लगा रहे तो उसके लिए आप यहाँ से सिंपली यहाँ से शेड्यूल वाला के जगह पर यानी कि ऊपर सेटअप प्रीमियम रहेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं शेड्यूल नहीं करता। उसके बाद यहाँ से आप ऑडियंस अपना सेलेक्ट कर सकते हो, आपका ऑडियंस किसके लिए, बच्चे के लिए या फिर बड़े के लिए। तो आप यहाँ पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड रख सकते हो या फिर नॉर्मल भी आप रख सकते हो। और यहाँ पर आपको ऐड अ प्लेलिस्ट करके आपको एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। सिंपली यहाँ से ऐसे करके आपको करना क्या, अपलोड कर देना। अपलोड कर देने के बाद आपको करना क्या, यहाँ से बैक आ जाना है यानी कि 24 घंटा के बाद आपको आ जाना है आपको अपने YT स्टूडियो में। यहाँ से आपको सारा ग्राफ दिख जाएगा कि आपकी वीडियो का क्या ऑडियंस है। देखिए और ऐसे ही करके आप अपने अगर शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो तो डायरेक्ट है कि आपका भी शॉर्ट वीडियो वायरल होगा और आपकी भी वीडियो वायरल होगी। यही था प्रॉपर तरीका। अगर आप ऐसे 1 हफ्ता तक अपलोड करोगे तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। बस वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।